दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर लड़की भाव खाए तो क्या करें, लड़की एटीट्यूड दिखाए तो क्या करना चाहिए। अगर आप किसी लड़की को देख रहे हैं या अगर आप किसी लड़की को बहुत पसंद करते हैं पर बात ऐसी है कि वो आपको भाव ही नहीं देती, तो ऐसा क्यों है, क्यों लड़कियां इतना भाव खाती हैं और ऐसा क्या करें कि जिसे आप पसंद करते हैं वो भाव ना खाए बल्कि आपको भाव भी दे और वो आपको भी पसंद करने लग जाए। इसको हम 3 से 4 पॉइंट में समझेंगे। नंबर 1, उसकी समस्या क्या है। अगर कोई लड़की आपको भाव नहीं दे रही है तो सबसे अच्छा उसको छोड़ दो, आप भी उसे नजरअंदाज करो। अगर वो आपकी अच्छी दोस्त है या आपको पहले भाव देती थी लेकिन अब नहीं देती, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो आपको नजरअंदाज क्यों कर रही है। क्या आपसे कोई गलती हुई है, क्या आपकी कोई ऐसी बात उसको पता चली है जो उसको पसंद ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब आपको उस बात का पता चल जाए तो आप उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, उसको मनाने की कोशिश करें। कोई आपकी बुरी आदत जो उसको पसंद ना हो तो उस आदत को छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आपके दिमाग में यही सवाल रहेगा कि लड़की भाव खाए तो क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जलस महसूस करवाएं। अगर आप उसका ध्यान पाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसको जलस फील कराएं। आप उसको छोड़कर दूसरी लड़की पर ध्यान दें, उनके साथ हंसी मजाक करें। ऐसा काफी बार होता है कि जब किसी को नजरअंदाज करते हैं और अगर उसको किसी और के साथ देखते हैं तो हमें जलसी फील होती है और मैं भी उसके लिए फीलिंग भी आने लगती है। अगर आपके नजरअंदाज करने से वो दुखी होती है, तो वो आपको सीधे जरूर बोलेगी, नहीं तो इनडायरेक्टली आपको भी दुखी करने के लिए दूसरों लड़कों पर ध्यान देगी या ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेगी। और अगर आपके जलस फील करवाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसको छोड़ ही दो, क्योंकि उसके मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है तो कोशिश करने का कोई फायदा भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, थोड़ा नजरअंदाज करो। ऐसा तब होता है जब उसको आपकी कोई कदर नहीं होती या फिर उसको आपकी बहुत कदर होती है लेकिन आपसे नाराज है, तो अच्छा होगा आप उसको थोड़ा स्पेस दे दो। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी, मतलब आप दोनों के लिए ही अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब दूरी आ जाती है या लड़का भी नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो लड़की को महसूस होने लग जाता है। अगर आपके स्पेच देने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब उसको आपकी कोई कदर ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। लड़की को पता है कि आप उसको पसंद करते हैं और इसी वजह से वो आपको अपने इशारों पर नचा रही है और आपको भाव नहीं दे रही है। हो सकता है कि वो भी आपको पसंद करती हो पर वो चाहती है कि आप ही उसके आगे पीछे घूमें, उसको भाव दें, उसको मनाएं, उसके पीछे पड़े रहें। पॉइंट नंबर 4, आप भी भाव ना दो। अगर लड़की आपको एटीट्यूड दिखा रही है तो आप अपनी इमेज को नीचे मत गिराएं और आप भी उसे एटीट्यूड दिखाएं। आखिर में इससे आपकी ईगो उसके सामने कम तो नहीं रहेगी, यहाँ तक कि जो आपके दोस्त हैं उनके सामने भी आपकी इमेज खराब नहीं होगी। लड़की भाव दे या ना दे लेकिन इससे आपकी इमेज भी कम नहीं होगी, जिससे उसको भी पता चलेगा कि
आप उसके लिए मरे नहीं जा रहे हो। आखिरकार वो भी एक इंसान है, वो भाव नहीं देती तो क्या हुआ, आप भी मत दो। और सिर्फ इस दुनिया में वो अकेली तो नहीं है, और भी लड़कियां हैं इस दुनिया में, उसको अहमियत दो जो आपकी भावनाओं को अच्छे से समझती हो। तो दोस्तों उसके बारे में चिंता मत करो कि वो आपको भाव नहीं देती। अगर आपने मेरी इन बातों को अच्छे से लाइफ में फॉलो किया ना तो आप बहुत अच्छे से भाव खाने वाली लड़की को पटा सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो। आज आपने जाना कि लड़की भाव खाए तो क्या करना चाहिए, और अगर लड़की एटीट्यूड दिखाए तो क्या करना चाहिए।